जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें कोई रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें कोई रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें संतों का प्यार, जिसमें भगवत प्यार नहीं, भगवत भक्तों का प्यार नहीं, वो क्या हृदय है? वो तो पत्थर है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते आस्तिक, दूसरे होते नास्तिक। आस्तिक एक को प्रेम करता है, एक के नाते जीता है और एक को पाकर पूर्ण हो जाता है, और नास्तिक हजार हजार चीजों की शरण जाता है। हे सिगरेट तू मजा दे, हे डिस्को तू मजा दे, हे बैंक बैलेंस तू मजा दे, हे पफ पाउडर लाली लिपस्टिक तू मजा दे, हे डिनर तू मजा दे, हे फलाना तू मजा दे, मजा 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 के पीछे सजा ही सजा पुगता हुआ खत्म हो जाता है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसके हृदय में कोई भाव नहीं, कम से कम और तो नहीं, कमाल की नाही, अथवा दीन दयाल दादू दीन दयाल की नाई, सोचो कि मित्र हमारे आंगन में आता है लेकिन हम उसे बुला नहीं पाते, उसे निहार नहीं पाते। ये मित्र हम तुझे निहारे, तुझे बुलाए, ऐसी मति को ऐसा भाव भी तो बना सकते। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें कोई रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। अपने हृदय में प्रभु का प्यार जगाओ। महाराज भगवान के लिए प्यार जगे, ऐसा कोई उपाय बताओ। उपाय तो रोज बताते हैं, लाला आप ले लो तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान नाम का जप करने से भगवान में प्यार होता है। एक है तुम मेले में जाते तो किसी को गले नहीं लगते हो, लेकिन जिसका बार बार नाम सुना है, नाम लिया है, वो आदमी मेले में मिलता है तो ओहो बड़ा मजा है, गले लग गए। बार बार सुना है, बार बार स्मरण किया है, उसको देखते हो तो आनंद आता है। भगवान नाम का बार बार स्मरण करो, भगवत कथा बार बार सुनो, फिर आनंद आएगा, रसधार बढ़ेगी।